फ्रेंड्स, अगर आपके पास है वीवो T1 मोबाइल तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस मोबाइल के कीबोर्ड में अपनी फोटो कैसे लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके मोबाइल में ही ऐसी सेटिंग है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने कीबोर्ड में अपनी फ़ोटो आप लगा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, आप दोस्तों कोई ऐसी जगह ओपन कर लीजिए जिससे दोस्तों जो है कीबोर्ड ओपन हो जाए। चाहे आप मैसेंजर ओपन कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ओपन कर सकते हैं और चाहे गूगल ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं गूगल पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, कीबोर्ड दोस्तों ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, कीबोर्ड में अभी कोई भी फ़ोटो नहीं लगी है। अभी मैं अपनी फ़ोटो लगाकर आपके सामने लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो यहाँ पर कीबोर्ड में दोस्तों देखिए, 3 डॉट आपको बने हुए दिख जाएंगे। 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, थीम का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा। थीम के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थीम के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, प्लस का दोस्तों ऑप्शन दिखाई देगा जिस पे लिखा है माय थीम्स, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ पर गैलरी में आ जाओगे। तो दोस्तों, जिस फोटो को आप जो है कीबोर्ड में लगाना चाहते हो अपनी, तो वो फोटो दोस्तों आप जो है यहाँ से ढूंढ लीजिए। तो मैं दोस्तों ये वाली फ़ोटो लगाऊंगा अपने कीबोर्ड में, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 उंगली से जो है फ़ोटो को एडजस्ट करना है, जितनी आप जो है कीबोर्ड में चाहते हो। तो इतनी मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पर इतनी एडजस्ट मैंने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक आपको सेटिंग करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, एडजस्ट ब्राइटनेस का दोस्तों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अभी दोस्तों ये देखिए, जितने भी नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं, ये दोस्तों ज़्यादा दिख रहे हैं और फ़ोटो हमारी कम दिख रही है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप ब्राइटनेस यहाँ से दोस्तों एडजस्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर देखिए, इतनी मैंने कर दिया है। अब दोस्तों फोटो देखिए, यहाँ पर कुछ साफ दिख रही है और अक्षर जो है काफ़ी फीके दिखने लगे हैं। अब यहाँ पर आपको डन करना है। डन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टिक होगा, इस टिक को आपको डिसेबल इस प्रकार से कर देना है। डिसेबल करने के बाद यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों एकदम साफ फोटो दिख रही है। अब यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए, कीबोर्ड में हमारी फ़ोटो लग चुकी है। तो इसी प्रकार से आप जो है अपने मोबाइल में कीबोर्ड में फ़ोटो लगा सकते हो बड़ी ही आसान तरीके से। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें।